जी तो दोस्तों, आज के आइफैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि इंग्लिश के वर्ड चेंजिंग के डिफरेंट मीनिंग क्या क्या होते हैं और वर्ड चेंजिंग को हम इंग्लिश में सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं सीखेंगे, साथ ही साथ उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन भी करेंगे। ट्यूटोरियल ज़रा कॉन्सेंट्रेशन से देखें क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड चेंजिंग चेंज से निकला है और हम डिस्कस कर चुके हैं कि चेंज के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। इसी तरह चेंजिंग के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जिसमें से एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें बदलते हुए। चेंज का एक मीनिंग होता है बदलना एक्सेट्रा। इसके अलावा तब्दीली होता है, परिवर्तन होता है, खुले पैसे होते हैं, लेकिन चेंजिंग का मीनिंग होता है बदलते हुए, जिसमें बदलते हुए टाइम्स, या फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस वगैरह के लिए भी चेंजिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए अब वर्ड चेंजिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। जिस तरह हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही इज़ चेंजिंग हिज सब्जेक्ट्स। कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, तो वो अपने मज़ामीन चेंज कर रहा है, बदल रहा है। तो हम कहते हैं कि वो अपने मज़ामीन चेंज कर रहा है, बदल रहा है। ही इज़ चेंजिंग हिज सब्जेक्ट्स। इसके अलावा कपड़े बदलने के कमरे को चेंजिंग रूम कहा जाता है। जिस तरह किसी दुकान में हम पूछते हैं, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम, कपड़े बदलने वाला रूम कहाँ पर है, कपड़े बदलने वाला कमरा कहाँ पर है, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम। चलिए कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं, जिससे हमें आप और मैं कोई बहस कर रहे हैं और मैं बात कहीं और घुमा लेता हूँ, तो आप मुझसे पूछेंगे व्हाई आर यू चेंजिंग द सब्जेक्ट, कि भाई जिस बारे में बात हो रही है तुम उसको क्यों बदल रहे हो, व्हाई आर यू चेंजिंग द सब्जेक्ट। इसके अलावा हम इस भी कह सकते हैं कि वी शुड चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स, कि भाई हमें बदलते हुए वक्तों के साथ बदलना चाहिए। वी शुड चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वर्ड चेंजिंग के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड चेंजिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा अगर उस सेंटेंस में कोई मिस्टेक हुई। इस तरह दूसरों का भी फायदा हो जाएगा कि उन्हें और भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे वर्ड चेंजिंग को यूज़ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।